वहीं डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा, जिसके बाद सियासी घमासान बढ़ने पर सेंथिल कुमार ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली। सेंथिल कुमार के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए शीर्ष नेतृत्व से जवाब मांगा था। मिजोरम के नतीजे आ गए हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मिजोरम प्रभारी किरेन रिजिजू साहब हैं। सर, ये नतीजे कैसे देखते हैं आप? एक नई पार्टी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। अच्छी बात है, एक नया रीजनल पार्टी आए हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी और MNF के बीच में पाँच साल बदलते रहते थे। अब कांग्रेस ख़त्म हो गया। अब मिजोरम में कांग्रेस ख़त्म होने के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अब मिजोरम में भी BJP उभर के आए हैं, हमारे वोट शेयर बढ़ गए हैं, सीट बढ़ रहे हैं, तो इससे एक पॉलिटिकल जो आगे का दृश्य है वो दिखाई देता है। MNF जो वहाँ पर सत्ता में थी वो इस बार हार गई है, ऑपोजिशन में जाएगी। आपकी सहयोगी हुआ करती थी, आखिर में उन्होंने संबंध तोड़ा, उनको नुकसान हुआ? संबंध था नहीं, पहले हम लोग NDA में एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन था, वो चुनाव में हम कभी भी साथ नहीं लड़े। प्रधानमंत्री जी वहाँ जा नहीं पाए थे, जाते तो ज़्यादा फायदा होता सर? प्रधानमंत्री जाने से तो फायदा होता ही है, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं था, क्योंकि मैं खुद वहाँ प्रभारी के नाते काम कर रहे थे और हम बहुत सीमित सीट पे लड़ रहे थे। मिजोरम में तो हम 40 सीट में तो पूरा लड़ नहीं रहे थे। कुछ सीटों पे हमने चुनाव लड़ा और उसमें अच्छा नतीजा आ रहे हैं। हमारा उम्मीद थे कि 5-6 सीट जीतेंगे, तो 1-2-3 जो भी जीतेंगे हमारा तो प्लस ही है, हम तो जीरो से शुरू कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी के नाम को लेकर ही हमने चुनाव लड़ा और लोगों में इसका एक असर भी हुआ है। बात करने के लिए धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क साहब मेरे साथ है। वर्क साहब, जो विवाद हुआ गौमूत्र को लेकर, आज भी सदन में इसे लेकर हंगामा हुआ, DMK ने माफी मांगने से मना किया, क्या कहेंगे? ये हंगामे नहीं होने चाहिए, ये अपनी प्राइवेट लाइफ की बातें हैं और इसमें कोई क्या कर रहा है ये वो जाने, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें भी जो बोल रहे हैं गौमूत्र के मुताबिक, उन्हें भी इतना उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए। और हमारी भी कोशिश यही है कि इन चीज़ों को ज़्यादा उजागर नहीं किया जाए और मतलब ये जनता के अंदर इसकी ज़्यादा अगर ये चीज़ आएगी तो इससे हालात बिगड़ेंगे। ये BJP कह रही है कि सभी राज्यों में चुकी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हार गई है, इसलिए ये लोग हिंदुओं से नफरत करने लगे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये BJP आरोप लगा रही है। आप भी इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं, क्या कहेंगे? मैं इंडिया गठबंधन के साथ तो है, लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफात ठीक नहीं है, मैं इनको लाइक नहीं करता। किसको कहना चाहेंगे? BJP भी इसको न उठाए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए, ऐसा कुछ कहेंगे? नहीं, माफी मांगने की बात नहीं, ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर समझे और हालात के एतबार से मुल्क के दौरान में जो कुछ भी हो रहा है, पर उन हालात में ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश न करें।